मम्मा आपने हमारी न्यू कार ठोक दी। मेरी गलती की वजह से गाड़ी पे डेंट पड़ गया। कल तो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है हमने गाड़ी लेकर बहुत बड़ी गलती कर ली। गाड़ी ठोक गई। क्या तुमने गाड़ी ठोक दी? रमी एक छोटा सा स्क्रैच ही है और कुछ नहीं है। छोटा सा स्क्रैच है, कितना बड़ा स्क्रैच है मैं अभी देख कर आता हूं। मम्मा आपने हमारी न्यू कार ठोक दी। अब क्या होगा? Later. ये छोटा सा स्क्रैच है? वो छोटा सा ही है। ये पूरा का पूरा डेंट है और ये गाड़ी ऐसे ठीक भी नहीं होगी। इसको तो किसी मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे ना। अब वो तो वहां जाके पता चलेगा कितने पैसे खर्च होंगे। चाबी दो मुझे। Later. रमी गाड़ी ठीक हो गई? अरे कहाँ ठीक हो गई, कोई मजाक हो रहा है क्या? ऐसे गाड़ी ठीक होती है टाइम लगता है। अब क्या करना, क्या नेक्स्ट? करना क्या है, उसने बोला है गाड़ी में बहुत खर्चा आएगा। खर्चा? कितना? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? हम 10,000 रुपए अब कहां से लाएंगे? अब कहां से क्या लाएंगे, अब गाड़ी खरीदी है तो उसे खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry रमनी, मेरी गलती की वजह से गाड़ी पे डेंट पड़ गया। मुझे तो लग रहा है मैंने गाड़ी खरीद के ही गलती कर दी। खैर छोड़ो, गलती तो किसी से भी हो सकती है। और अब हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? मैं दूंगी 10,000 रुपए। तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? मम्मा पापा, जो आपने मेरे, शिनाया और सियान की ट्यूशन के लिए पैसे दिए थे उससे गाड़ी का डेंट ठीक करवा लो। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं पापा, वैसे कुछ दिनों के लिए ट्यूशन तुम्हारी बंद है तो वो पैसे हमें चाहिए ही नहीं। देखा कितनी समझदार बेटी है हमारी। हम मिडिल क्लास लोगों की यही तो मजबूरी है, इधर के पैसे उधर और उधर के पैसे इधर लगाने पड़ते हैं तब जाके हमारा काम चलता है। The next day. अरे भैया तुम सब यहाँ बैठे हो, एक खुशखबरी है। कार ठीक हो गई रमी? हाँ हमारी कार ठीक हो गई। ये पुनीत, लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना, तुमने गाड़ी अकेले चलानी नहीं है। मैं आपकी बात सारी मानूंगी। मैंने आपकी बात मान के कल से ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है। कल से मेरी क्लासेस शुरू है। अब मैं बिल्कुल ही गलती दोबारा नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। पापा पैनकेक खाने चलें? पैनकेक्स? हाँ ठीक है, गाड़ी में घूमने चलते हैं। हाँ। अच्छा सुनो ना रमी, कल मेरी किटी पार्टी है तो आप मुझे कल ड्रॉप कर देना। कल तो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम ऐसा करना, सुनीता के साथ चली जाना, सुनीता का हस्बैंड उसको ड्रॉप करेगा ही ना। रमी जाएंगे तो वो सही, मगर उनकी कार ना बहुत छोटी सी है। अब तो हमारी कार बिल्कुल ठीक हो गई है तो आप मुझे छोड़ते जाना ना। अरे बाबा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर पहले मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा फिर मैं अपने काम पर जाऊंगा तो पता है कितना पेट्रोल लग जाएगा और पेट्रोल तो वैसे भी कितना महंगा हो गया है। अब जब गाड़ी खरीद ली है ना तो इन छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो। अच्छा बाबा ठीक है, छोड़ आऊंगा। खैर छोड़ो, पैनकेक खाने चले। हाँ। कार में घूमने। लेके गाड़ी के चक्कर में इस महीने का सारा बजट ऊपर नीचे हो गया है। रिपेयर पे 10,000 लग गए, पेट्रोल पे भी 10,000 लग गए, 20,000 तो यही हो गए। और अब पुनीत की ड्राइविंग स्कूल की फीस,
हे भगवान, और बच्चों को गाड़ी में बैठकर कभी शॉपिंग पे जाना है, कभी पैनकेक खाने हैं, कभी टॉयज लेने हैं, कैसे मैनेज होगा ये सब? अरे सुन ना नान्या, जाना बेटा नहा करा, 3 दिन से नहाई नहीं है। मम्मा प्लीज आज नहीं नहाना, बहुत ठंड है, ऊपर से गीजर भी खराब है। अरे गीजर खराब है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं गीजर खराब है? यार रमनीक, मुझे लगा आप ऑलरेडी बजट को लेकर इतने परेशान हो ऑलरेडी, तो फिर कोई बात नहीं। अनान्या बेटा, मैं भी तो सुबह नहाई थी ना, वो भी ठंडे पानी से। मम्मा मुझे पता है, जब आप नहा कर आए थे आप पूरे 20 मिनट तक कांप रहे थे। अरे अरे बहस मत करो, अब जो भी है गीजर खराब है ठीक तो कराना ही पड़ेगा ना, मैं अभी जाके प्लम्बर को बुलाता हूँ। ठीक है, जब गीजर ठीक हो जाएगा तो मैं नहा लूंगी। Later. चला क्या प्लम्बर? हाथ चला गया। क्या कहता है? कह रहा है गीजर पूरी तरह से खराब हो चुका है और अभी रिपेयर नहीं होगा, इसको नया ही लेना पड़ेगा, और नया गीजर कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का आएगा। हे भगवान, फिर नया खर्चा? एक खर्चा खत्म नहीं होता और दूसरा खर्चा सिर पे खड़ा हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आएंगे अब ये पैसे? हे भगवान, ये कौन है? हेलो, ओके ओके मैम, ओके। कौन था? बच्चों की ट्यूशन टीचर। क्या कह रही थी? अभी तक क्लासेस बंद है मगर नेक्स्ट वीक से क्लासेस मैं शुरू कर रही हूँ, तो बच्चों को फीस के साथ अगले हफ्ते से भेज देना। बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस जो हमने अलग रखी हुई थी उससे तो हमने गाड़ी रिपेयर करवा ली। हाँ रमनीक, मेरी तो सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है इस गाड़ी को लेने के चक्कर में। मुझे ऐसा लगता है हमने गाड़ी लेकर बहुत बड़ी गलती कर ली। जब से गाड़ी ली है तब से हम परेशान ही परेशान है। तुम ठीक कह रही हो पुनीत, जब से हमने ये गाड़ी ली है हमारी टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसा करो रमनीक, आप ना ये गाड़ी बेच दो। क्या? अगर अब इस गाड़ी को बेचने जाएंगे ना तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। रमनी जितने भी मिलेंगे उतने ही सही, ये रोज रोज की टेंशन तो खत्म होगी। पर बच्चे उनका क्या, वो तो बहुत उदास हो जाएंगे ना। लेट है पापा, हम युका क्यों बेच रहे हैं? मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया था कि हमने इतनी बड़ी न्यू कार ली है, अब मैं उनको क्या बोलूंगी? अब हम घूमने किस पे जाएंगे? बच्चों हमारी जिंदगी जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। और कार का क्या है, ये तो कुछ पल की खुशी देती है और उसके बाद टेंशन ही टेंशन। कभी फ्यूल की टेंशन, कभी रिपेयर की टेंशन, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी उसी चीज। पर ऐसी चीज हमें रखनी ही क्यों है जिससे हमें इतनी टेंशन मिले? ये भी बात है। हाँ बात तो ठीक है तो फिर आप कार बेच दो। ठीक है। हाँ। तो फिर हम उस गाड़ी के ऊपर राउंड लगाने चले। हाँ ठीक है, एक आखिरी राउंड तो लगा सकते हैं ना। ठीक है चलो चलो। बाय बाय कार। बिना ही सही, पर अब हम मिडिल क्लास लोग चैन से तो जी पाएंगे। आओ बच्चों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। टाइप्स ऑफ किड्स इन विंटर्स लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पर। मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मैं तो नहाती भी नहीं हूँ। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया।